नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले कि आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक देंगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो परियोजनाओं की घोषणा की। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1400 किमी सड़कों, एक स्कूटर का नवीकरण। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आने वाले महीने में शहर के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित दो परियोजनाओं की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। सपा के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ेगी राष्ट्रपति अखिलेश यादव से मुलाकात कर पदाधिकारियों ने बताई रणनीति। आगामी नगर निगम और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय समता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रपति के संयोजक शशि प्रताप सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने शनिवार को लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में महंगी होगी बिजली, MERC में पेश 37% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। आम आदमी को साग लगने वाला है, अब बिजली महंगी होने वाली है। नए वित्तीय वर्ष में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अब बिजली वितरण करने वाली कंपनी महावितरण को और कोई राह नहीं सोच रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। भारी संख्या में परमाणु बम का निर्माण कर रहा है भारत, चीन को लेकर बदली नीति, मोदी सरकार पर बड़ा दावा। चीन को फोकस में देखकर भारत की मोदी सरकार ने अपने परमाणु हथियारों की जोखिम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, ये दावा है कि अमेरिका रिपोर्ट में किया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के बाद हुए बड़े बदलाव, जयशंकर की किताब में लिखी नए भारत की विदेशी नीति। विदेशी मंत्री MJYSHANKAR ने शनिवार को यहां कहा कि भारत में पिछले 8 से 9 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है और आत्मनिर्भर बनने के बाद देश के अग्रणी ताकत होगा। यहां अपनी किताब द इंडिया के मराठी अनुवाद भारत मार्ग के विमोचन के मौके पर जयशंकर ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को राष्ट्र के विदेशी नीति से जोड़ना था कि केवल मंदरिनों आमतौर पर प्रभावशाली नौकरशाहों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द को सुनना। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। लड़कियों की कम उम्र में शादी करवाने वालों को सीएम की खुली चेतावनी, जनता के बीच कर दी ये सी बात। नई दिल्ली देश के बाहर विवाह गैर कानूनी के, लेकिन आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बहुत ही कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बिहार मुजफ्फरनगर में गला दबाकर शख्स की हत्या, सरसों के खेत में मिली लाश। बिहार के मुजफ्फरनगर के 38 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में सनसनी मच गई। घटना पारू थाना क्षेत्र में कलमपुर मठिया टोले की है, जहां व्यक्ति को मारकर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, CM मोदी समेत ये नेता शामिल। नई दिल्ली त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के BJP कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को होने वाले चुनाव में दो पार्टियां तैयार हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री शाह ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण की योगदान देने की अपील, बोले CM के आग्रह पर बढ़े आगे। बुहली PTI केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को युवाओं के राष्ट्र निर्माण के योगदान देने और यह सुनिश्चित करने की कहा कि जब देश 2047 में अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाए तो वर्ष हर क्षेत्र में अग्रणी हो। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। 2024 विपक्षी गठबंधन की अगुवाही करेगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा। कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन सतर्क नहीं। हिमाचल प्रदेश में जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस के अंदर नया विश्वास आया है। राहुल गांधी को मिल रहे भरपूर जम समर्थन के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में BJP को टक्कर देने के लिए किसी भी विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस को आधार बनाना होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। फर्जी ईयर टिकट केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, कोर्ट ने 11.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली की राउज न्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे और उनके सहयोगी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विनय कुमार पांडे को IPC की धारा 120B, 420, 13(1)(d)
13(2) के तहत साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने विनय कुमार पांडे को 11,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, महिलाओं को बच्चा पैदा करने की उम्र क्यों बताने लगी, असम के सीएम सर्दी को लेकर भी कह दी ये बात। हिमालयों को बच्चा पैदा करने की उम्र क्यों बताने लगे, असम के सीएम शादी को लेकर कह दी ये बात। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी बोले एनसीसी में बेटियों की बढ़ रही भागीदारी। दिल्ली की कल्पिया परेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाम राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली में संबोधित किया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू, मुझे भी हिंदू कहें केरल राज्यपाल। देश में एक और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद जोरों पर है। विपक्ष सरकार का सवाल उठा रहा है, वही कहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिसकी सेलिंग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस विवाद पर केरल के राज्यपाल मोहम्मद अरिफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, उन्हें मिली जगह। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, राकेश चटर्जी, मिथुन चक्रवर्ती का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, मुंबई केंद्रीय मंत्री बोले भारतीय फिल्में यस सीओ देशों में बेहद लोकप्रिय, लोगों को जोड़ने में निभाई अहम भूमिका। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संघाई सहयोग संगठन ESCO के देशों के बीच सिनेमा साझेदारी का आह्वान किया। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ ESCO फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय फिल्में ESCO देशों में बेहद लोकप्रिय है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता रहे अगली बड़ी खबर, एस जयशंकर का राहुल गांधी पर हमला, चीन से 1962 में भारत की जमीन पर किए कब्जा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, असरद्वीप की छुट्टी तय, दूसरे हिस्ती में होगी टीम इंडिया की प्लेइंग। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला 29 जनवरी को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उचाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ